गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 11th ऑन टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले होगा हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटीज़, वट आर द फिजिकल क्वान्टिटीज़, हाउ दे कैन मेजर। सेकेंड इज़ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी, वट आर द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी। थर्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। और फोर्थ और लास्ट टॉपिक होगा बच्चों रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अपन उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चों व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? कोई भी क्वांटिटी बच्चों, क्वांटिटी विच कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मींस माप सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम को अपन मेजर कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में। तो टाइम क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली मास, मास को अपन मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। तो मास भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो वो कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? क्वांटिटी विच कैन मेजर, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती है बच्चों। तो इन टू टाइप्स को हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं इन दोनों का। सबसे पहले होता है बच्चों हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़, इनको हम एक नाम और भी देते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मींस वो क्वांटिटी जो हमारे पास बेसिक होती है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती उनको हम बोलते हैं बेसिक। और ड्राइव्ड, जो दूसरे पे डिपेंड करती है, जो दूसरे से ड्राइव की जाती है, ठीक है, जो डिपेंड्स करती है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। अभी आप, मैं एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियरली हो जाएगा यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे मास है, मास को अपन किलोग्राम में मेजर करते हैं। देयर आर सेवन फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी जो दिया गया है आप इसको पूरा करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सेवन्थ आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन किस में मेजर करते हैं? मोल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि एक फिजिकल क्वान्टिटी और उनकी यूनिट्स, और यूनिट के लिए अपन क्या सिंबल यूज करते हैं। मास किलोग्राम में केजी अपन सिंबल यूज करते हैं, लेंथ मीटर में, स्मॉल एम यूज करते हैं, टाइम सेकंड के अंदर। तो ये जो यूनिट्स दी गई है बच्चों, ये हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर दी गई है। तो एसआई सिस्टम में जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं उनको हम फाइनली एसआई सिस्टम के अंदर रखते हैं। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई टाइम को अपन आवर में क्यों नहीं यूज करते? तो हम कहते हैं कि टाइम को हम यूज कर सकते हैं आवर के अंदर, लेकिन जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो फाइनल हमारा रिजल्ट जो आता है उसको हम एसआई सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड जो है बच्चों ड्राइव, ड्राइव मींस जो दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या लेंथ अपॉन टाइम अपन इसको कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ हमारे पास एक क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये दोनों ही बेसिक क्वांटिटीज है बच्चों। और इन दोनों को यूज़ किया, ठीक है, किसको यूज़ किया अपन ने? बेसिक को यूज किया। तो बेसिक को यूज करने के बाद जो नई बनती है, दैट इज नोन एज ड्राइव्ड। तो ड्राइव्ड वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दूसरे से ड्राइव की जाती है। तो नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आपके सिलेबस में कि टेम्परेचर को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। आपने तीन स्केल पढ़े नाइन्थ क्लास में भी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को अगर अपन केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 273.15
अपन प्लस कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो इसके लिए मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ। 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैलविन। और फारेनहाइट में अगर अपन को करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, क्या फैक्टर यूज़ करते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 आपको यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस जो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाए उसको रखना है, प्लस में जो वैल्यू आती है उसको 32 के अंदर ऐड कर देना है। तो अपने पास ये, हम एक एग्जांपल लेके भी करते हैं बच्चों, कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हेल्दी ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन और फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लेट अस सी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसको 273 में अपन ने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 310.15 केल्विन आ जाता है। और फारेनहाइट में करने के लिए 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस अपन को क्या दिया गया है, 37, तो 37 रख दिया हमने, प्लस 32 कर दिया जो कि फैक्टर है हमारे पास, तो यहाँ पे आता है 98.6 फारेनहाइट। आप सबने देखा होगा कि जब हमें फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि 100 पॉइंट समथिंग, तो 100 पॉइंट समथिंग या 100 पॉइंट समथिंग जो भी डॉक्टर यूज़ करता है वो फारेनहाइट के अंदर होता है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास, नेक्स्ट इसको भी आप सेम इसी तरीके से करेंगे जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके। तो नेक्स्ट आता है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक, जो कि हमारे पास बच्चों एक नंबर होता है, नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, कोई भी आपको वैल्यू दे देगी उसके अंदर जो नंबर दिए गए हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। अब कभी हमारे पास कोई वैल्यू दी जाती है तो उस वैल्यू में जो लास्ट डिजिट होता है बच्चों वो अनसर्टेन होता है। किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है 0.052, अब ये 5.2 है, ये 2 के बाद आपको नहीं पता क्या वैल्यू दी गई है, 2 के बाद क्या वैल्यू है, वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मीन्स लास्ट हमारे पास जो डिजिट होता है दैट इज़ अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास सारे डिजिट आएंगे प्लस में लास्ट जो अनसर्टेन वैल्यू होती है उसको हम जोड़ दें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आता है। तो इसके रूल्स हैं, आप रूल को एक एक करके स्टडी करेंगे आपके लिए बड़ा इजी होगा, कि कभी भी आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट दे दिया जाए बच्चों, जैसे सपोज मैंने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, सारे के सारे नॉन जीरो हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है सबको, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये वैल्यू दी गई है 6, 3, 2, 6, 3, 5, 2, 7, आपने इसमें काउंट किया कितनी वैल्यू, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अंदर। अगर हमारे पास सेकंड रूल आता है, अगर हमारे पास जीरो है और वो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, ठीक है, जीरो है और लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो का, जैसे यहाँ पे नॉन जीरो की बात करें तो 5 हमारा नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में 0, 0, 2, 0 दिए गए हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आप दोबारा से इसको सुन लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जीरोज प्रजेंट है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 2, वो कौन कौन से हैं, 5 एंड 2। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 0.125, इसके अंदर कितने आएंगे बच्चों, 3। तो रूल्स को आपको फॉलो करना है। थर्ड रूल आता है बच्चों हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और वो डेसिमल के अंदर है, ठीक है, डेसिमल में जैसे यहाँ पे दिया गया है 1.50, तो यहाँ पे जो ये जीरो है ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर आप वैल्यू देखेंगे तो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हमारे पास, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास थर्ड रूल था। फोर्थ रूल जो है वो भी आप इसी के साथ समझेंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर वैल्यू डेसिमल में नहीं है तो आपका जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये कुछ रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। मैंने फिर बताया, अगर वैल्यू डेसिमल में है और राइट साइड में अगर आपका जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, अगर वैल्यू डेसिमल में नहीं है तो राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास 1800 के अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है
और यहाँ पे हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वैल्यू डेसिमल में थी। फोर्थ रूल आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कि हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को जब जोड़ते हैं या उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपने तीन वैल्यू थी इन सभी को जोड़ा, इन सभी को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है उसको आपको उतने ही डेसिमल तक रखना है जितने आपके इन तीन वैल्यू में दिए गई सबसे कम पॉइंट ऑफ डेसिमल की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पहले में अगर हम कहें कितने डेसिमल तक है बच्चों, पॉइंट के बाद एक दो तीन डेसिमल तक है, नीचे वाले में देखेंगे तो एक तक है, एक डेसिमल है, ठीक है, और उससे नीचे वाले में देखें दो, तो अपन को जो वैल्यू आएगी उसको वन तक रखना है, मीन्स पॉइंट के बाद एक डेसिमल, डेसिमल के बाद हमें एक पॉइंट तक इसको रखना है। तो 13.1 क्यों लिया हमने, 13.1 इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि 13.06, अब ये जो हमारा सिक्स है बच्चों ये एक से सॉरी फाइव से ज़्यादा है। जब भी हमारी वैल्यू फाइव से ज़्यादा होती है तो हम पहली जो डिजिट होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं, तो हमने क्या किया 13.1 कर दिया। अगर वैल्यू फाइव से कम है तो आप एज इट इज़ रखते, अगर वैल्यू फाइव से ज़्यादा है तो आप एक बढ़ा देंगे। अगर वैल्यू मान लीजिए इन केस अगर आपकी वैल्यू फाइव है तो आप देखेंगे क्या देखेंगे कि आपके फाइव से पहले वाले डिजिट, जैसे यहाँ पे हमारा फाइव है और फाइव से पहले वाले डिजिट फोर है और फोर हमारा एक इवन है, इवन नंबर होता है तो अनचेंज रहेगा। अगर ओड नंबर है जैसे अपन फाइव है, फाइव से पहले भी फाइव है और फाइव क्या है ओड है, तो अपन एक एक नंबर इसमें इंक्रीज कर देंगे, 7.5 को अपन क्या कर देंगे 7.6। तो नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि हम कभी भी दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पजस बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। यहाँ पे दो टर्म दी गई है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखेंगे चार सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाले में देखेंगे कितने हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर, मींस अपना जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को अपन को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना है। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, आपने डिवीजन के अंदर भी सेम यही करना है। डिवाइड किया, यहाँ पे आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पांच सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो लीस्ट प्रिसाइज के अंदर दो सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे इसके अंदर फाइव सिग्निफिकेंट है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको अपन दो सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ 0.29 इसका आंसर आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप बार बार ध्यान से सुने और सुनने के बाद आपकी जो नोटबुक दी गई है उस नोटबुक के अंदर इन सभी को सोल्व करें, और इनको सोल्व करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको बुक के अंदर मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक या कोई भी हेल्प बुक है उससे सोल्व करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को मैसेज करें।